हेलो हेलो। यस सर ओके 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 ठीक है। पहले हम जो ये फोर्थ चैप्टर जो बचा है उसको हाँ मैं पहले एक्सप्लेन एक्सप्लेन करके खत्म कर देता हूँ, है ना। यस कुछ छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद सर डाउट होगा तो पूछेंगे आप लोग, ठीक ना। ओके हाँ ठीक है। वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसको YouTube पे भी डाल देंगे, है ना। एक्चुअली आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं बनाया। ओके okay? और कुछ नहीं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक आप लोगों को पीडीएफ में दिए थे हम, दैट वाज व्हिच टॉपिक आई हैव गिवन टू यू, एसटीडी एसटीडीज ना। हाँ, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक ना। ओके अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओके स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप लोग? हाँ यस सर ओके वन नोट। हाँ, टुडे वी विल स्टार्ट। हाँ, इनफर्टिलिटी। ओके, यस सर इनफर्टिलिटी। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इनफर्टिलिटी। ओके, सो इनफर्टिलिटी मीन्स व्हाट? इट मीन्स अनएबल टू रिप्रोड्यूस आफ्टर ऑफ सर, ये नोट करते हैं। सेवरल ना। वो कर सकते हो, योर विश। हम इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, अभी समझ रहा है तो समझ कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। ओके आफ्टर ऑफ सर, सेवरल सक्सेसफुल कोइटस, ठीक ना। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक ना, सक्सेसफुली हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, कंसीवनेस नहीं हो पा रहा है। ओके, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ओके, एक चीज ध्यान देंगे, इनफर्टिलिटी इज नॉट सेम एज स्टेरिलिटी, ठीक है। स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी दोनों सेम नहीं है। स्टेरिलिटी कहने का मतलब होता है 100% नॉन फर्टाइल होना, 100% नॉन फर्टाइल, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि हो सकता है किन्हीं कारणों के चलते रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये सब का कोई जिक्र नहीं होना है ना स्टेरिलिटी में। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब हो सकता है कुछ रीजन है जिसके चलते रिप्रोडक्शन ना हो रहा हो, है ना। सो एकदम क्लियर कट आइडिया रखेंगे, इनफर्टिलिटी इज नॉट सिनोनिम ऑफ सिनोनिम टू स्टेरिलिटी, ओके, है ना। स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी अकर्स, ठीक है। इनफर्टिलिटी होता कैसे, है ना, कैसे होता है बहुत सारा रीजन इनफर्टिलिटी होने का। मेल की कैसे होता है ना, क्रिप्टोसिडिज्म का मतलब बताएंगे जी क्या था। सर उसमें टेस्टिस डिसेंड आउट नहीं होता है। क्रिप्टोसिडिज्म में हाँ, एब्डोमेन कैविटी, ठीक ना। हो गया, तो कैविटी के बाहर टेस्टिस निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा तो उसका टेम्परेचर लो नहीं रहेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होना है। ओके, पहला कंडीशन। दूसरा, एसटीडी बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांस के चल मेल इनफर्टाइल
मतलब कम वेयर ऑन ब्लॉकेज ऑफ वैसिडिफ्रेंस का ब्लॉकेज हो जाना ओके लो गोनाडोट्रोफिन ठीक है एल एच और एफ एस एच का प्रोडक्शन लो हो रहा हो सकता है बैलेंस हो सकते हैं ये भी एक रीजन हो सकता है ठीक ना स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी इन मेल है ना डिस्टर्बेंस इन डिस्टर्बेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्म सच एज ठीक है ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया कहने का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट सर फाइव नंबर में क्या लिखे हैं ठीक है अल्कोहोलिज्म शराब ठीक है शराब अल्कोहल कंज्यूम हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है ओके दैट इज अल्कोहोलिज्म एच ओ एल आई इज एम अल्कोहोलिज्म हाँ ओलिगोस्पर्मिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है अल्कोहोलिज्म ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया कहने का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट ठीक ना एक्चुअली में स्पर्म कितना होना चाहिए था 300 टू 400 मिलियन होना चाहिए था ना हाँ. उससे कम हो जाता है ओके हाँ नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट करते हैं टेराटो टेराटो स्पर्मिया Teratozoospermia is the condition where the sperms are morphologically not fit. ठीक ना? Sperm are morphologically not fit. ठीक ना? Morphologically fit नहीं है. So question आता है Teratozoospermia का मतलब. Next, Azoospermia. एजोस्पर्मिया कहने का मतलब नो स्पर्म प्रोडक्शन ठीक है स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होना ठीक ना उसके बाद आता है आपका दैट कंडीशन वेयर द क्या बोलेंगे स्पर्म की मोबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है ओके स्पर्म की मोबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है दैट इज कॉल्ड एस्थोजूस्पर्मिया कौन सा नंबर हो जाएगा ये टेराटोस्पर्मिया ए सर हाँ हाँ बोलो बीच बीच में आपका आवाज कट जा रहा है अभी सुनाई दे रहा है हाँ एस्थेनोजूस्पर्मिया ठीक है ये कंडीशन कौन सा है स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाती है लो स्पर्म मोबिलिटी So, इन सभी कारणों से क्या हो सकता है मेल में क्या बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी मेन के चलते इनफर्टिलिटी हो सकता है मेल में ये सब प्रॉब्लम होगा ठीक ना जिसके चलते दैट गाय कैन नॉट बिकम फादर है ना ओके है और भी बहुत सारा रीजन कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम छठा हो गया सत्वा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब हो जाना
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये हम बताएंगे आप लोगों को अगले चैप्टर में डिटेल में, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में डिस्टर्ब हो जाना है ना। सो इतना रखेंगे, और भी बहुत सारा है लेकिन इतना मेन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन, ठीक ना, विच कॉजेस अ मैन नॉट टू बिकम फादर, ठीक ना। फीमेल में देखते हैं, ठीक ना, प्रॉब्लम्स इन फीमेल फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होंगे, लो GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम होगा, है ना, लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से कम सर आवाज क्लियर नहीं है। फेलोपियन फेलोपियन और नहीं कर पाता, ओवम ट्यूब हो सकता है। ओके, चौथा ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाना, ठीक ना, सर्विक्स का ब्लॉकेज हो जाना, ठीक ना, ये भी रीजन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये भी रीजन है, ठीक ना। अनयूजुअल मेंस्ट्रुएशन, ये भी रीजन है इनफर्टिलिटी इन फीमेल के लिए, है ना। अल्कोहोलिज्म, अल्कोहल के चलते, है ना। So, ये सब कुछ रीजन है फीमेल में जिसके चलते फीमेल कैन नॉट बिकम मदर, ओके, है ना। तो इसमें बहुत सारे चीज को हम लोग रीड ऑफ हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिंस, है ना। सो ये हो गया आपका इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी खत्म होता है यहीं पे। हाँ, इनफर्टिलिटी दो प्रकार का होता है, infertility is of two type, ठीक है, पहला primary infertility, and secondary infertility, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब बता रहा हूँ, प्राइमरी मीन्स, ओके, प्राइमरी मीन्स अनेबल टू बिकम मदर और फादर, ठीक ना, इन इट्स लाइफ, ठीक ना, कभी भी ना बन पाना, है ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी, अनेबल टू बिकम मदर और फादर नेचुरली, ठीक ना, बिना किसी एड के, यूज किए बिना ही यदि फादर या मदर बनना चाह रहे हैं तो वो नहीं बन पाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहने का मतलब कि पहला चाइल्ड सक्सेसफुल बर्थ हो जाना, ना, पहले चाइल्ड का सक्सेसफुली बर्थ हो जाना, बट देवेर द पार्टनर वेर अनेबल टू रिप्रोड्यूस द सेकेंड चाइल्ड, ठीक ना, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एबल टू प्रोड्यूस फर्स्ट चाइल्ड
successfully. But unable to, reproduce second child. ठीक ना, इसको कहेंगे हम लोग secondary infertility. ठीक है, बताइए infertility यहीं पे खत्म होता है. Next we will start ART. आखिरी topic है. ठीक है, ART stands for artificial. Come on. No. Assisted. Come on. Assisted. Reproductive techniques कुछ हो सकता है. Reproductive techniques. ठीक ना. Reproductive technologies. Assisted technologies. Reproductive technologies. ठीक है, ये आखिरी होप होता है फॉर द कपल टू बिकम पेरेंट. ठीक ना, ये लास्ट ऑप्शन होता है. दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर कपल टू बिकम पेरेंट. ठीक ना, ओके. ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. ये इट इज वेरी एक्सपेंसिव मैथड. यहाँ पे लेट्स रिलेटिव प्रॉब्लम्स इन फर्टिलिटी पर कर या फिर ट्यूब नहीं कर रहा है ना, या फिर स्ट्रेस के चलते स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, ओके, है ना. तो एआरटी इज होप फॉर देम टू बिकम अ पेरेंट फॉर सच कपल, है ना. ये महंगा प्रोसेस है. ठीक ना, सो एआरटी के अंदर बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके मदद से कोई भी इनफर्टाइल कपल, ठीक ना, पेरेंट्स बन सकते हैं, है ना. ओके, सो सम ऑफ द एआरटीज आई एम गोना डिस्कस यू. ओके, सम ऑफ द एआरटी which are used today are, ठीक ना, क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान देंगे. पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सुने हो ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग IVF. In vitro fertilization. Listen, what does in vitro fertilization means? होता क्या है in vitro fertilization में? We collect sperm cell, ठीक ना? We collect sperm cell and ova cell, ठीक ना? Ova बोलो या फिर secondary oocyte बोलो, ठीक है? We collect sperm cell and ova cell. Come on, this sperm cell can be collected from male donor and this form female donor. अब donor कहने का मतलब आप यहाँ पे कुछ कोई समझ सकते, तो हम खरीदेंगे किसी से, एक कपल का फीमेल पार्टनर का हो सकता है, यहाँ पे sperm cell खरीदेंगे या फिर हस्बैंड का हो सकता है, कुछ भी समझ सकते हो आप. यहाँ पे donor कहने का मतलब फीमेल डोनर, मेल डोनर, मेल फादर हो सकते हैं, कुछ भी, एनीवन, है ना, आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं. व्हाट वी डू, वी मिक्स दिस, ठीक ना, स्पर्म सेल और ओवा सेल को हम लोग मिक्स करते हैं इन ए कंट्रोल कंडीशन, इन ए पेट्रीप्लेक्स. द स्पर्म सेल्स आर अलाउड टू फ्यूज विद द ओवा, ठीक ना. व्हाट हैपेंस, सिंगेमी हैपेंस, ठीक ना, और सिंगेमी के चलते क्या बनेगा यहाँ पे, यस,
there will be a development of zygote banega. Okay, zygote ban gaya. सर जायगोट हम हैं होकर ठीक है फाइन ओवरी सिस्ट सर वहां पे तो एक से ज्यादा भी जायगोट बन सकता है. हां बोलो. वहां तो एक से ज्यादा भी जायगोट बन सकता है ना. आवाज नहीं आ रहा सर. ओके कंट्रोल कंडीशन में हम इसको करेंगे. सुनाई दे रहा अभी? सुन पा रहे हो? पूछ रहे कि उसमें तो एक से ज्यादा भी जगड़ बन सकता है ना. हाँ वहां तो एक से ज्यादा भी जगड़ बन सकता है. इफ यू विल इफ यू विल पुट मोर देन वन ओवा देन इट विल कन्वर्ट. हां देन इट विल गिव राइज टू मोर देन वन जायगोट. ओके सर ओवा के ऊपर डिपेंड करता है आपका है ना. सो ध्यान देंगे यहाँ पर यदि ब्लास्टोसिस्ट है और मोरूला है ठीक ना. इफ इट इज ब्लास्टोसिस्ट हैज अटेंड 32 सेल स्टेज. 32 सेल स्टेज होगा देन वी विल पुट इट इनटू यूट्रस ठीक ना. कहाँ इंसर्ट करेंगे? यूट्रस में. ब्लास्टोसिस्ट हाँ ब्लास्टोसिस्ट यदि 16 सेल तक है 8 से लेके 16 सेल तक है अभी देन वी विल पुट इट इन फैलोपियन ट्यूब. ऐसा क्यों? फैलोपियन ट्यूब ठीक है. डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है ना. जायगोट फैलोपियन बनता है धीरे धीरे. क्या होते जाता है तो हम तो ये इसको ब्लास्टोसिस्ट तो लैबोरेटरी में बनाए हैं. हाँ. है ना. तो ये ब्लास्टोसिस्ट यदि मोरूला स्टेज में है. मोरूला स्टेज मतलब कितने वाले स्टेज? 8 to 16 सेल स्टेज. 16 सेल स्टेज बोलते थे कि नहीं? कैलकुलेट करोगे मोरूला में कितना सेल्स था? 8 से लेकर 16 के आसपास था ना. हाँ. ओके तो यदि मोरूला स्टेज में 8 से लेकर 16 सेल तक ही है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ही रख देंगे. नेचुरली जहां पे होता है वहीं पे रखेंगे ना. हाँ. मान के चलो यदि 32 सेल का हो गया उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करते हैं है ना. तो आप लोग को ध्यान रखना होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ना. हम लोग यूट्रस में इंसर्ट करेंगे. मीन द जायगोट इज अलाउड टू ग्रो फॉर 5 days. जब जायगोट को 5 दिन तक के लिए हम लोग अलाउ कर देते हैं ग्रो करने के लिए then we insert that fertilized blastocyst in the uterus. Okay, uterus में insert करेंगे. Correct? लेकिन यदि ध्यान देंगे question इस तरीके से पूछा जाए यदि कम cell stage में है 2 cell stage है 4 cell stage है 16 cell stage है तब हम कहाँ insert करेंगे उस fertilized zygote को? Then we will put it into fallopian tube. यदि ज्यादा cell stage हो गया है then we will insert it into uterus. ठीक है. उसके बाद क्या होता है वो मदर जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी को सस्टेन करेगी और 9 महीने बाद बेबी का जन्म हो जाएगा ठीक ना. ओके इस टेक्निक से चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम लोग IVF इन विट्रो फर्टिलाइज IVF. ओके सुने होंगे आप लोग कहीं पे भी देखे तो उसमें तो क्या होता है उनमें उन लोगों का स्पर्म सेल एक्सचेंज हो जाता है ना. दोनों को IVF ही करवाना होता है स्पर्म सेल बिकॉज ऑफ सिमिलर नेम द स्पर्म गॉट चेंज ठीक ना. एक्सचेंज हो जाता है. आप विकी डोनर देखे हो? विकी डोनर में वो क्या करता है स्पर्म सेल्स को कलेक्ट करके बेचता है वो. तो वो स्पर्म सेल का यूज कहाँ होता है? तो वो एक्चुअली में दैट गाय दैट हीरो वाज एक्चुअली एक्टिंग एज व्हाट? वो किसका तरह काम कर रहा था वहां पे? मेल डोनर का तरह काम करता है. ठीक था ना विकी डोनर एक मूवी आयुष्मान खुराना का.
हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एक चीज बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, ठीक ना? क्या लिखेंगे? ICSI ना, शॉर्टकट में, ठीक ना? नाम से क्या पता चल रहा है जी? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सी, कहने का मतलब है हम लोग सरिंज में स्पर्म सेल्स को लेंगे, सरिंज में. ओके, वी विल टेक द स्पर्म इन अ सरिंज एंड विद द हेल्प ऑफ सरिंज वी विल इंसर्ट द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवा, ठीक ना? इसके अंदर क्या होगा? स्पर्म होगा, ठीक है? एक ही होगा. ओके, एक ही स्पर्म होगा, ओवा भी यहाँ पे एक ही है ना. सो सिरिंज की मदद से हम क्या करेंगे? स्पर्म सेल को लोड करेंगे, ठीक ना? लिमिटेड, ज्यादा एक ही स्पर्म लेंगे और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से ओवा के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक ना? दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में और इसमें ICSI में? एक्चुअली दिस इज डन इन दैट केस वेयर द मेल प्रोड्यूसेस लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म, वेयर द मेल प्रोड्यूसेस लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म, ठीक ना? बहुत ही कम अमाउंट में स्पर्म का प्रोडक्शन है, हम कलेक्ट भी बहुत डिफिकल्ट से कर पाते हैं, ठीक ना? सो उसके केस में हम ये टेक्निक को फॉलो करते हैं. डायरेक्टली स्पर्म को हम छोड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं छोड़ देते हैं, ओवा के बाहर नहीं छोड़ देंगे हजारों स्पर्म को, कि जाइए जो कंफर्टेबल होगा वही उसको पेनिट्रेट कर पाएगा. नहीं, एक ही स्पर्म को लेंगे और उसको हम आर्टिफिशियली मशीन से इंजेक्ट कर देंगे ओवा के अंदर. फिर से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा. अगेन वही चीज फॉलो किया जाएगा. द जायगोट आफ्टर अटेनिंग अटेनिंग 16 to 32 सेल स्टेज ट्रांसफर टू यूट्रस, ठीक है ना? यूट्रस के अंदर हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे. दिस इज क्या था? ICSI ना. नेक्स्ट तीसरा बता रहे हम, जाइगोट फेलोपियन ट्रांसफर. एब्रीविएट कैसे करेंगे इसको? ZIFT, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक ना? तो यहाँ पे हम जायगोट को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं जी? जायगोट कैसे बना होगा? आर्टिफिशियली, ठीक ना? पहला प्रोसेस है या दूसरा प्रोसेस है, ठीक ना? फर्टिलाइज zygote of, ठीक ना, 1 to 16 cell stage are transferred, to fallopian tube, okay, ठीक ना? होता है यूट्रिन इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, ठीक ना? इसी में हम एक शब्द यूज कर रहे हैं IUT, ठीक ना? इसी के अंदर आएगा IUT, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्रिन
ट्रांसफर। तो सर आईवीएफ में भी तो वही हो रहा था लगभग। हाँ ठीक है ना, ये थोड़ा स्पेशल केसेस है, मतलब स्पेशली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आईयूटी का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। ठीक है ना, कहने का मतलब इफ द जाइगोट हैज अटेन, टर्म्स याद रखेंगे क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होते हैं बस। इफ द जाइगोट हैज अटेंड, ठीक ना, 32 सेल स्टेज और मोर, देन इट इज ट्रांसफर्ड टू यूट्रस। बस ठीक ना, यूट्रस के अंदर। देख पा रहे हो स्क्रीन आया फिर से? देख रहे हो ना स्क्रीन? हाँ सर। स्क्रीन देख पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके ठीक है, ये थोड़ा आईयूटी हो गया। ओके ओके गुड गुड। ठीक है चलिए, अब बताते हैं हम ज़िफ्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़िफ्ट से। जेड, अच्छा ये क्या था ज़िफ्ट ना? हाँ ये गिफ्ट बताते हैं। जी आई एफ टी, हाँ क्या होगा गिफ्ट? गैमेट, गैमेट, हाँ गैमेट, इंट्रा इंट्रा फेलोपियन, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। वेरी गुड। ठीक है, इसके केस में क्या करते हैं? सी, हाँ सी सी, द मेल इज अनेबल टू, द मेल इज अनेबल टू, द मेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ना, मेल नहीं फीमेल के जिक्र करते हो। ओके, मेल के लिए दूसरा है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल द फीमेल शी कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट। ओके, शी कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट बाय हर ओन, है ना, वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ एलिगोस्पर्मिया, सॉरी ओलिगो ओव्यूलेशन कह सकते हैं उसको, बाद में बताते हैं उसको। ओके है ना, तो क्या करेंगे हम लोग उस समय, क्या करते हैं ज़िफ्ट के केस में? ठीक ना, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं ओवा को, ठीक ना, ओवा को हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ओवा को हम लोग डिलीवर करते हैं इंट्रा, सॉरी तुम्हारा जंक्शन पे, ठीक ना, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे छोड़ देते हैं। क्या सीरिंज से? उसके बाद नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सर सीरिंज से? हाँ सीरिंज से करेंगे, यस ठीक ना, डन। हाँ हाँ हाँ, डन इन, हाँ डन इन फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। ठीक ना, जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती, सो फ्रॉम डोनर, डोनर is placed in fallopian tube, fallopian tube ले जाके छोड़ देंगे। ओके, ये होता है आपका जेट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ओके, पांचवा होता है, उसके बाद फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉलोड होगा, नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। आर्टिफिशियल AI for male, ये उन मेल की कमी के चलते किया जाता है, स्पर्म नहीं पाते, स्पर्म का प्रोडक्शन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाते। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हो अभी?
यस सर। ओके स्क्रीन स्क्रीन दिखा। हाँ स्क्रीन दिखा। यस सर। चलिए आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन उन लोगों की हाँ उनके केस में किया जाता है जिनका पेनिस इरेक्शन में प्रॉब्लम होता हो, ठीक ना, इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, द मेल पार्टनर इज अनेबल टू डिलीवर द सीमेन इनटू द फीमेल वजाइना, है ना, स्पर्म काउंट कम है, सीमेन कम है, उसके केस में क्या किया जाता है, ठीक ना, द स्पर्म इज कलेक्टेड, स्पर्म इज कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड आर्टिफिशियली इनटू वेजाइना और इन यूट्रस, ठीक ना, वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, है ना। आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन देखा होगा कैटल्स के केस में, गांव में किसी ने देखा है, जो काउस होती हैं या बफलोस होती हैं उनको आर्टिफिशियली इंसिमिनेट किया जाता है एक लंबा सा इंजेक्शन से, yes, उस लोगों ने देखा होगा, ओके okay? ठीक ना, तो उसी तरीके से हम लोग ह्यूमन बींग में भी फीमेल बॉडी में हम स्पर्म सेल को ट्रांसफर करते हैं, वेजाइना में करेंगे या फिर यूट्रस के आसपास करके छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा, ठीक ना, नॉर्मल प्रोसेस कैरी होगा, ठीक ना। सो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये तुम्हारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल होना चाहिए, एंडोमेट्रियम तैयार होना चाहिए, ठीक ना, उसी कंडीशन में किया जाता है, ओके क्लियर है ना। सो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 5 हुआ कि नहीं हुआ, 5 हुआ ना, हो गया हाँ, ठीक ना। नेक्स्ट एक चीज और बता दे यहाँ पे, सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी सुने हो टर्म सरोगेसी कहीं पे, नहीं सुने हो, ठीक है, सरोगेसी कहने का मतलब मान के चलो ए इज मेल बी इज फीमेल, ओके या ठीक ना, ए और बी को पेरेंट बनना है बट बी शी डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, समझे कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, सी को हायर कर लेंगे, सी इज ए फीमेल, समझ गए, सी इज ए फीमेल, तो क्या करेंगे ए और बी का जायगोट अपने यूट्रस भी नर्चर करेंगी 9 महीना तक, है ना, वो मान के चलिए एक प्रकार से बायो रिएक्टर की काम करेंगे, है ना, तो उनको कुछ पैसा पे किया जाता है उसके लिए, ठीक ना, लीगल प्रोसेस है, इलीगल नहीं है, तो आज के डेट में फिल्म स्टार्स लोग ये परफॉर्म करते हैं, उनके पास पैसा नहीं, टाइम नहीं है कि प्रेग्नेंट बियर करे, प्रेगनेंसी को बियर करे, ठीक ना, तो वो क्या करते हैं, एक फीमेल को हायर करते हैं, ठीक ना, वो हेल्दी फीमेल को हायर करते हैं जो कि उनके जायगोट को बाल पोस के 9 महीने के अंदर बेबी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, बर्थ दे सके, जन्म दे सके, उसके बाद वो फ्री, ये फ्री, बच्चे में उस मदर का कोई जीन नहीं जाना है, है ना, ओके सरोगेसी, ठीक है, सरोगेसी मीन्स सस्टेनिंग सस्टेनिंग द जायगोट जायगोट ऑफ ए कपल। सर ये भी शायद महंगा प्रोसेस होता है। हाँ हाँ हाँ, तो कोई भाई 9 महीने अपना समय देगा, ठीक ना, और वो भी अपना खून तो नहीं देती है वो, लेकिन अपना केयर तो देना पड़ेगा ना, ठीक है, सस्टेनिंग द जायगोट ऑफ ए कपल अप टू पार्चुरेशन, ठीक ना, सच मॉडल इज कॉल्ड सरोगेट मदर, सरोगेट मदर कहेंगे, ठीक ना, सरोगेट मदर। अब बोलेगा सलमान खान भैया हम तो शादी नहीं करेंगे लेकिन हम पिताजी बनना चाहते हैं, तो क्या होगा, ही विल डोनेट हिज स्पर्म सेल, ओके, ही विल गेट ओवा फ्रॉम अननोन फीमेल, है ना, दोनों को हम लोग जायगोट और सॉरी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे और उस जायगोट को किसी सरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो वो सरोगेट मदर अपना फी लेगी 9 महीने के लिए, ठीक ना, भोजन मिलेगा अच्छा खासा खाने के लिए, प्रेगनेंसी के बाद वो उसका रास्ता अलग, बेबी सलमान खान के पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके दिस इज कॉल्ड सरोगेट मदर।
सो सरोगेसी ज्यादातर हम लोग परफॉर्म करते हैं कैटल्स के केस. कैटल्स आवाज नहीं आ रहा सर. हाँ कैटल्स में बताइए आप लोग फूड प्रोडक्शन. टेल दिस टॉपिक इन स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ओके सर हो गया ये इतना तक ही. हाँ बोलो. और कैटल्स में जरूरत क्या पड़ी है? अरे भैया कैपिटल कैटल्स में ही तो सबसे ज्यादा जरूरत है. मान के चलो एक गाय है 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर दूध दे रही है फॉर एग्जांपल. हाँ. तो हम चाहेंगे ना कि उसका बच्चा जो आए वो 50 लीटर दूध दे. तो हम क्या करेंगे उस गाय में मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाते हैं. मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाते हैं तो मान के चलो उसमें 10 ओवा आ गया या 5 ओवा आ गया. हाँ. तो 5 बच्चे को तो 5 बच्चे से तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती ना. नहीं तो क्या करेंगे उसमें से 4 निकाल लेंगे और 4 अलग अलग कैटल में इंसर्ट कर देंगे. हाँ तो बाकी मदर का तो सिर्फ प्रेगनेंसी सस्टेन होगा ना उसी को कहते हैं. कुछ टर्म्स बता रहे हैं यहाँ पे इन ओव्यूलेशन इसका मतलब क्या होगा जी बताओ जरा. इसका इन ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन नहीं होता होगा. वेरी गुड नो ओव्यूलेशन ठीक है. ओलिगोवुलेशन पॉलीओवुलेशन मतलब एक बार में बहुत सारा ओवम बनता हो. ओलिगो तो लो ओवम काउंट यानी कि ओवम नहीं बनता होगा हर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. ओलिगोवुलेशन दैट इज डेफिशिएंट ओव्यूलेशन. ओके मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होता है क्या? नहीं होगा. हाँ ये तो प्रॉब्लम है. ओके ओके सो यहीं पे आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है. सिपोल में बताया था क्या? क्या सर कुछ सुनाई नहीं दिया. सुनाई नहीं दिया तेरे. सिपोल एक प्रकार का स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक ना नहीं लेकिन बताएंगे केमिकल विच इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटो गॉसिपोजेनेसिस. हाँ गॉसिपोल ठीक ना स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है. सो ये एक प्रकार का मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर ही आता है. ठीक है तो ये चैप्टर 4 यहीं पे खत्म हो रहा है. इन द नेक्स्ट क्लास आई स्टार्ट जेनेटिक्स. तो सर एसटीडी डिस्कस नहीं कीजिएगा? हाँ आप बताओ क्वेश्चंस किसी का है तो बताएंगे. सर क्या बोलते हैं ठीक ना जो एचआईवी वायरस होता है. ओके ओके तो